हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PMFIS एनवायरनमेंट वीडियो लेक्चर सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि PMFIS की एनवायरनमेंट बुकलेट 2024-2025 के बेसिस पर डिजाइन करी गई ये वीडियो लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स एंड करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। द एंटायर सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम दोस्तों ऋषभ शर्मा है एंड ये सिक्स्थ वीडियो है पूरी एंटायर वीडियो सीरीज में। एंड इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सिर्फ हम लोग बुकलेट के अंदर दिए गए टॉपिक्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, वो भी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के अंदर दे रखे हैं, और अगर वहां से प्री या मेंस में कोई टॉपिक बन सकता है तो उस पोर्शन को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग चैप्टर वन एंड चैप्टर टू के कंबाइंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम लोगों ने पुरानी वीडियोज में एनवायरमेंट, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर इकोजोन। इकोजोन किसे कहते हैं? आप सभी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को याद करिए। इंडिविजुअल से मिल करके बनते थे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिल करके बनता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिल करके बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से मिल के बनता है बायोम एंड बायोम से मिल करके बनता है बायोस्फीयर। और अगर मैं अभी बात करूं कि एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट को आपको पढ़ना है, यानी कि एंटायर अर्थ की आपको स्टडी करनी है, तो एंटायर अर्थ को पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, और यानी कि जब उसको लेवल्स में डिवाइड करा जाता है तो उसको बाइफरकेट करा जाता है। सबसे बड़े लेवल में जब उसको बाइफरकेट करा जाता है तो उसको हम बोलते थे बायोस्फीयर। बट बायोस्फीयर भी वो एलिमेंट है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो बायोस्फीयर का वो हिस्सा जहां पे लाइफ एक्चुअल में पॉसिबल है उसकी जब वो स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इको जोन। यानी कि अब आपको क्या करना है, गूगल मैप्स की तरह समझिए कि गूगल मैप्स को आप जूम इन करके जब चेक करते हैं, तो जब जैसे ही आप गूगल मैप्स को जूम इन करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं और उसकी अंदर गहराई पे जाके चेक कर सकते हैं। सिमिलरली बायोस्फीयर को पूरा पढ़ना आसान, इतना इजी टास्क नहीं है, तो बायोस्फीयर को थोड़ा जूम इन करिए। जैसे ही आप बायोस्फीयर को जूम इन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग इको जोन बोलते हैं या फिर बायो ज्योग्राफिक रेल्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़े लेवल की स्टडी होती है इकोलॉजिस्ट के द्वारा इन दी स्पेशल लैंडस्केप। यानी कि जब हम सबसे बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे होते हैं इकोलॉजी की, तो उसको बोलते हैं क्या, बायो ज्योग्राफिक रेल्म की स्टडी कर रहे हैं। फिर बायो ज्योग्राफिक रेल्म को जैसे ही जूम इन करके चेक करोगे, देखिए बायो ज्योग्राफिक रेल्म सबसे बड़ा, फिर उसको जूम इन करा तो क्या निकल के आएंगे, कई सारे बायोम्स, बहुत सारे बायोम्स निकल के आते हैं एक बायो ज्योग्राफिक रेल्म में। यानी कि मान के चलिए जैसे ये नियाटिक है, ये सहारा अरेबियन है, सीनो जापानीज है, ओरिएंटल है, आप देखिए नियो ट्रॉपिकल है, ये सब क्या है, बायो ज्योग्राफिक रेल्म या इको जोन। बट इसी इको जोन के अंदर कई सारे बायोम्स भी हो सकते हैं, तो एक इको जोन में कई सारे बायोम्स। अब कई सारे बायोम्स आप जानते हैं कि कई सारे बायोम्स एक इकोजोन बनाते हैं, बट कई सारे इकोसिस्टम एक क्या बनाता है, बायोम बनाते हैं। कई सारे हैबिटेट्स मिलके एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। उस हैबिटेट में आप नोटिस करेंगे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जब जाकर के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज है मौजूद। फिर वहां पे आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, और एक इंडिविजुअल जो अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है अपने घर में बैठ के, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश, यानी सबसे छोटे लेवल की पढ़ाई भी की जाती है। एक इंडिविजुअल को माइन्यूटली जब एक इकोलॉजिस्ट स्टडी करता है तो उसे बोलते हैं सबसे छोटा लेवल, और सबसे बड़ा लेवल क्या है, बायो ज्योग्राफिक रेल। तो मैं आपसे कह रहा हूं इको जोन इज द लार्जेस्ट स्केल और बायो ज्योग्राफिक डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि हिस्टोरिक एंड एवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हुआ है, कि इतिहास में जब आप पढ़ेंगे किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है और किस तरीके से हिस्टोरिकली प्लांट्स एंड स्पीशीज यू नो वेरी करके आई हैं, एक रिलेटिव आइसोलेशन का पीरियड जी के आई हैं, और ये जो वेरी हुआ है ये भी किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स। इसी की को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको जोन, बड़े लेवल पे जब स्टडी करी जाती है। और अगर मैं बोलूं इकोटोप क्या है, ये एक नया कंसेप्ट है, व्हाट आर इकोटोप्स, तो जैसे सबसे बड़े लेवल की स्टडी को बोलते हैं बायो ज्योग्राफिक रेल्म, यानी कि सबसे ऊपर हम बायो ज्योग्राफिक रेल्म,
फिर आता है बायोम्स, फिर आता है इकोसिस्टम्स, कई सारे इकोसिस्टम में हैबिटेट, हैबिटेट में कम्युनिटी, कम्युनिटी में एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल अपने घर में जो रोल परफॉर्म कर रहा होता है उसे इकोलॉजिकल नीश, और ये इकोलॉजिकल नीश में जब हम देखते हैं कि माइन्यूट लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इकोटोप। इकोटोप इज द स्मॉलेस्ट एंड इकोलॉजिकल, जब हम बात करते हैं बायोजोग्राफिक रेंज की तो वो सबसे बड़ा है। देखिए इकोटोप इज द स्मॉलेस्ट जबकि बायोजोग्राफिक रेल इज द लार्जेस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेनी इकोटोप्स टुगेदर इधर एडजेसेंट और ओवरलैपिंग कैन क्रिएट अ इको रीजन और इको जोन, इको रीजन भी बोल सकते हो और इको जोन भी बोल सकते हो। कई सारे इकोटोप्स एक क्या बना सकते हैं, बायोजोग्राफिक रेल। चलिए अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं, व्हाट इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड या बैलेंस। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड को समझ लीजिए टॉलरेंस पावर ऑफ स्पीशी के नाम से, यानी कि हर एक स्पीशी की, हर एक इंडिविजुअल की एक टॉलरेंस पावर होती है। टॉलरेंस पावर का मतलब क्या होता है कि एक सहने की शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है कि उसके बियॉन्ड जाकर के वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का ये एक रेंज होती है जहां पर वो इजीली जी सकता है। जैसे टेम्परेचर की एक रेंज है कि अगर तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे वो जी सकता है या फिर वो दो डिग्री सेल्सियस पे जी सकता है, दो डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक जी सकता है या 40 तक जी सकता है, एक रेंज होगी। उस रेंज को हम इकोलॉजिकल उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं या वैलेंस कहते हैं। और ये टॉपिक किसने दिया था, ये कंसेप्ट दिया था शेलफोर्ड ने। शेलफोर्ड का एक लॉ ऑफ टॉलरेंस भी है जो ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस क्रिएट होती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जिसमें मिनिमम मैक्सिमम और उसके ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे उसकी पॉपुलेशन डिसाइड होती है जो उसके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज है और एक्स एक्सिस पे एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। अभी के लिए मान के चलते हैं हम टेम्परेचर को लेके चलते हैं एक्स एक्सिस पे कि जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो उसका असर पॉपुलेशन पे क्या पड़ेगा। तो शेलफोर्ड कहते हैं एक रेंज है, जैसे अगर आप इस वाली रेंज को देखेंगे यहां से इस साइड और इस साइड देर इज नो इंडिविजुअल, यानी कि जरूरत से कम अगर टेम्परेचर हो जाए और जरूरत से ज्यादा अगर गर्मी हो जाए तो उन दोनों ही कंडीशंस में एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर आता है कौन सा एरिया जहां पे फ्यू इंडिविजुअल जिंदा रह पाते हैं, यानी कि अगर ठंडा एनवायरमेंट है तो उसमें कम जानवर जिंदा रह पाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है तो उसमें भी कुछ जानवर होते हैं जो जिंदा रह पाते हैं, फ्यू इंडिविजुअल्स हैं। बट फिर वो बताते हैं एक ऐसी रेंज आती है जिसको हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं और इस ऑप्टिमम रेंज के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जिंदा रह पाती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे मौजूद होती है क्योंकि ये इनकी क्या है, सबसे बेस्ट और आइडियलिस्टिक कंडीशंस यहां पे मिल रही हैं। बट इनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस कितनी है, कब तक ये सहन कर सकते हैं, यहां तक ये सहन कर सकते हैं, ये इनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस। बियॉन्ड दिस इसके इधर आते ही इनकी डेथ। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की एक रेंज है और उसके बियॉन्ड आके उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है और नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड भी मौजूद होता है। जब मैं बोलता हूं वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल कैन कंपेरेटिवली लार्ज एनवायरमेंटल कंडीशन में जी सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये वाली फिश है वो ठंड में भी जी सकती है, कम टेम्परेचर में भी और हाई टेम्परेचर में भी, और इतना बड़ा एरिया है जहां पे वो सर्वाइव कर सकती है। जबकि अगर आप इस वाली फिश को देखेंगे, इस फिश के अंदर आप नोटिस करो इसकी टेम्परेचर की रेंज सिर्फ इतनी है, यानी कि इसके बियॉन्ड अगर चले गया टेम्परेचर तो फिर इसकी डेथ निश्चित है, यानी कि नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड वाले जानवर जल्दी मर जाते हैं इन कंपेरिजन टू वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। और अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल यानी कि पानी में रहने वाले और लैंड पे रहने वाले जानवरों में से किस जानवर का ज्यादा इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है, तो याद रखना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इज वेरी लेस। वाई? बिकॉज पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा ना तो हीटअप हो पाता है, जो उसका टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर एक कॉन्स्टेंट लाइक टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है, बहुत जल्दी ना तो वो गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। पानी जो है वो ना तो एकदम गर्म होता है ना एकदम ठंडा होता है। तो पानी में रहने वाले जानवर उसी तरीके से अडेप्टेड होते हैं। तो मान लीजिए किसी भी वजह से पानी 1 डिग्री सेल्सियस भी गर्म हो गया तो उसमें कई सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अब जानते हैं आप बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसलिए कंसेप्ट पढ़ने में जरूरी हो जाते हैं। जबकि अगर आप मान के चलिए एक ऐसा जानवर जैसे गली मोहल्ले के हमारे जो कुत्ते होते हैं
आप इनका एक लॉजिकल एम्पलीट्यूड देखो, बहुत वाइड है। क्यों? सर्दी गर्मी, दिल्ली के अंदर सर्दी भी बहुत है गर्मी भी बहुत है, फिर भी यहाँ पे जो जानवर है वो जी जाते हैं क्योंकि इनका एक लॉजिकल रेंज बहुत हाई है। बट यहीं पे आप एक ऐसा जानवर ले आओ, हस्की ले आओ, जो कि ठंडे इलाके में रहता है, हमेशा बर्फ वाले इलाके में रहता है, तो उसको ले जाकर के आप दिल्ली की गर्मी में सुलाओगे, वो मर जाएगा अगले दिन। तो उसको आपको एसी में रखना पड़ेगा या ठंडे एनवायरमेंट में रखना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी इकोलॉजिकल रेंज उतनी ही है, सहन शक्ति ही उतनी है। ऐसे ही जैसे गोल्ड फिश का आप देख सकते हैं 2 डिग्री से लेके 34 डिग्री है। पोलार बियर जो है वो लो टेम्परेचर में अच्छा सर्वाइव कर जाएंगे, जैसे ट्रॉपिक्स में लाओगे उनकी डेथ हो जाएगी। जिराफ गर्म इलाके में तो अच्छा सर्वाइव कर जाएगा, ठंडे में ले जाओगे तो फ्रीज कर जाएगा डेथ पे। हाइपर थर्मोफाइल बहुत गर्म वाले एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज बहुत हाई है। सैलिनिटी के बेसिस पे भी जानवरों को डिवाइड करा जाता है, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा जाता है। अगर बहुत ज्यादा नमकीन पानी में भी जानवर जिंदा रह ले तो क्या बोलोगे आप कि यार मतलब बहुत ज्यादा सैलिनिटी को झेल सकता है, तो हम बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज यानी यूरीहेलाइन, और एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही जी पाएगा और उसी के अंदर रह पाएगा तो स्टेनोहेलाइन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की तरफ एक इशारा देते हैं। चलिए बात करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज इकोफीन या इकैट। इकोफीन और इकैट का एक और नाम है जिसको हम लोग हैबिटेट फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बताया जाता है कि ये इकोफीन और इकैट जो होते हैं ये सेम जेनेटिक स्टॉक को बिलोंग करते हैं, सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बट वेरिएशन होते हैं इनके मॉर्फोलॉजी में, यानी कि दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। स्पीशीज बिल्कुल सेम है, याद रखिएगा इकोफीन का कंसेप्ट या इकैट का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि स्पीशीज इनकी सेम है, बट ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं इनमें डिफरेंसेस किस लेवल पे आ गए हैं, शरीर के ऊपर डिफरेंसेस आ गए हैं, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे आ गए हैं, ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चरल उनमें चेंजेस आ गए हैं। और वो क्यों आए? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब जब मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलता हूं तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप एक गर्म एनवायरमेंट में रहते हैं और इस समर वाले या हॉट एनवायरमेंट से आप निकल के कहां जाते हैं? एक ठंडे इलाके में जाते हैं, कोल्ड रीजन में जाते हैं, तो आप इमीडिएटली देखेंगे एक चीज होगा, आपके जो होंठ हैं या आपके हाथ पैर हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक आना क्या है? एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है आपके शरीर का जब आपको एक नए तरीके के एनवायरमेंट में पटक दिया गया है या फिर रख दिया गया है। होता यह है कि आपकी बॉडी जो है जहां रहती है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसका एक अडेप्टेशन मैकेनिज्म बन जाता है। बट अगर आप बिल्कुल एकदम से नए एनवायरमेंट में गए हैं तो इमीडिएटली आपकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, उस रिस्पॉन्स के साथ आना पड़ेगा, और उसी इमीडिएट रिस्पॉन्स को हम लोग इकोफीन या इकैट कहते हैं। और याद रखिएगा ये टेम्परेरी होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके होंठ जो है वो फटे के फटे रह गए हैं, हमेशा फटे ही रह जाएंगे, नहीं। जैसे ही आप वापस अपने ओरिजिनल एनवायरमेंट में आओगे, यानी कि जिस एनवायरमेंट से आप निकले थे उसमें वापस आओगे, तो आपका शरीर उसी तरीके से हो जाएगा जैसा वो पहले से था। क्यों? क्योंकि आप अडेप्टेड उसी एनवायरमेंट के लिए हो, और वो जो चेंज आया था वो तो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स था उस एनवायरमेंट के अंदर। और अगर मैं बोलता हूं वापस आ जाएगा, आपके होंठ फटे नहीं रहेंगे, इसका प्रमाण ये है क्योंकि वो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस नहीं आए, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे चेंज आया, ऊपर ऊपर से चेंज आया, आपके शरीर कैसा दिखता है वैसा चेंज आया। जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी एनवायरमेंट में चले जाओ आप वैसे ही दिखोगे। तो जीन्स में चेंज नहीं आया, सिर्फ स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजिकल लेवल में चेंज आया। दैट इज व्हाई इट इज रिवर्सिबल इफ द स्पीशीज रिटर्न्स टू द अर्लियर एनवायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखो सनबर्न हो गया है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज्यादा धूप वाले एरिया में चले जाते हो घुमोरिया आ जाती है, सनबर्न हो जाता है। ये जो सनबर्न है ऐसा नहीं है इसकी पीठ का रंग और इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो गया, टैटू बन गया इसकी पीठ पे, नहीं, ये वापस सही हो जाएगा। और कब सही हो जाएगा? जैसे ही अपने एनवायरमेंट में चले जाएगा, जो एनवायरमेंट में ये था उसी एनवायरमेंट में अगर ये वापस आ जाए ओरिजिनल एनवायरमेंट में अपने नए एनवायरमेंट को छोड़ के, तो ये वापस से ठीक हो सकता है। दैट इज व्हाई इकोफीन और इकैट का कंसेप्ट है इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो देखो जैसे एक और एग्जांपल, व्हेन अ टेम्परेट रीजन यूरोपियन कम्स टू ट्रॉपिक, तो जैसे ही इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन जिससे ब्लैक कलर आता है एंड हिज स्किन विल बिकम डार्कर। बट दैट यूरोपियन इफ गोज बैक टू नॉर्थ यूरोप अगेन ही वुड स्टार्ट टू ग्रो फेयरर अगेन। यानी कि अगर कोई एक ऐसा यूरोपियन व्यक्ति है जो इंग्लैंड का है, लंदन का है, उसको आप ले जाकर के अफ्रीका में छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उसका रंग जो है थोड़ा सा काला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको टैनिंग हो जाएगी, बट वो टैनिंग उसका असर सिर्फ इमीडिएटली है, कुछ समय बाद वो टैनिंग वापस हट जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे चेंज है, नॉट अ जेनेटिक लेवल चेंज। ऐसे ही एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इकोटाइप। व्हाट इज इकोटाइप? इकोटाइप्स में बोला जाता है दे आर जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज
that are adapted to specific environmental conditions. They are also called as ecological or morphological races. अब इसको ध्यान से समझिए. इकोफिन अगर बहुत लंबे समय तक हो जाए, when ecofin is for a very prolonged period, species adapt permanently, leading to ecotypes. और ecotype क्या है? Irreversible है और genetic variations है. मैं आपको समझाता हूँ. मान के चलते हैं दो individuals हैं जो same species को belong करते हैं, individual one, individual two. अब हुआ ये कि ये दोनों ही ऐसे environment में रहते थे initially, जहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती थी. मान के चलते हैं तो इनके बारिश बहुत ज्यादा होती थी, तो इनकी जो पत्तियां थी वो बहुत ज्यादा हरी भरी दिखती थी. बट हुआ ये कि बीच में क्या आ गया, बीच में एक जियोलॉजिकल फीचर क्रिएट हो गया, कोई सा भी, मान लीजिए माउंटेन्स हो गया या किसी तरीके से गड्ढा बन गया ओशन आगे, कोई भी वजह से, जिसकी वजह से जो ये इंडिविजुअल टू है वो सेपरेट हो गया इंडिविजुअल वन से. और इस इंडिविजुअल टू के पास अब रेनफॉल जो है वो बहुत कम आती है, यानी डेजर्ट लाइक कंडीशंस में रह रहा है. तो होगा ये कि इमीडिएटली इसकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इकोफिन, क्योंकि इसका एनवायरमेंट अलग हो गया है. बट अगर इकोफिन कई हजारों सालों तक हो जाए तो फिर वो इको टाइप में बदल जाता है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस हो जाती हैं और वो परमानेंट इरिवर्सिबल जो चेंज है उसी को हम इको टाइप कहते हैं. जैसे यूफोर्बिया हिरता एक प्लांट है जिसके दो इको टाइप हैं. एक तो है जो बहुत ज्यादा यू नो वेट कंडीशंस में देखने को मिलेगा, एक है जो बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में देखने को मिलेगा. तो इसके दो इको टाइप कैसे बन गए, इसके दो इको टाइप इस वजह से बन गए क्योंकि एक्चुअल में जेनेटिक वेरिएशंस आ चुके हैं. ये ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं ये सब जेनेटिक वेरिएशंस हैं कि एक बीच वाले एनवायरनमेंट पे क्या है, माउंटेन वाले एनवायरनमेंट में किस तरीके का बनेगा. तो ये जेनेटिक वेरिएशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि उसको इको टाइप का कंसेप्ट दिया जाता है. तो एक बार देखो इको टाइप और इकोफीन में क्या डिफरेंस है. जेनेटिकली डिफरेंट है और ये जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि आप जानते हैं इकोफीन में जीन्स में कोई असर नहीं आया है. अच्छा, दूसरा देखिए, वेरिएशन इन इको टाइप्स आर परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं, जबकि इकोफीन टेम्पररी होते हैं. दे आर जेनेटिकली फिक्स्ड एंड इनहेरिटेबल, यानी कि क्योंकि इको टाइप्स अब जीन्स के अंदर आ गया है तो वो आगे इनहेरिट होगा, नेक्स्ट पॉपुलेशन में जाएगा. जबकि दे आर नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड एंड हेंस नॉट इनहेरिटेबल, यानी कि अगर मान लीजिए आप एकदम ठंडे इलाके में गए थे और आपके होट फट गए थे, जो हमने इकोफीन में एग्जाम्पल देखा था, और मान लीजिए आपका बच्चा हुआ तो वो बच्चे के भी होट फटे हुए नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे है, सोमैटिक लेवल पे है. जेनेटिक लेवल पे अगर वो पहुंच जाता है तो फिर इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, इश्यूज तब जाएंगे जब वो, याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन के बाद कहां पहुंच जाए, वो बच्चे के अंदर पहुंच जाए. वो तब पहुंच पाएगा जब वो जीन्स में होगा. जीन्स में नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर मॉर्फोलॉजिकल लेवल में है, और ये इरिवर्सिबल है जबकि ये रिवर्सिबल है. अच्छा, चलिए एक बार डिफरेंसेस भी देख लीजिए इकोफीन, इको टाइप, इको स्पीशीज और सीनो स्पीशीज के अंदर. ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आपसे अगर पूछा जाए क्या दो इकोफीन्स आपस में जो कि सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं वो इंटरब्रीड करें तो वाइबल ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है, यस, इकोफीन्स कैन ब्रिंग वाइबल ऑफस्प्रिंग. सिमिलरली इको टाइप्स, जैसे यूफोर्बिया हिरता है, इसके दो इको टाइप हैं, तो अगर हम इन दोनों को आपस में इंटरब्रीड कराएं तो वाइबल ऑफस्प्रिंग आएगा, बिल्कुल आएगा. बट याद करिए, इको स्पीशीज जो हमने स्पीशिएशन में पढ़ा था, वहां से वाइबल ऑफस्प्रिंग नहीं निकलता है और ना ही सीनो स्पीशीज से वाइबल ऑफस्प्रिंग निकलता है. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं होम रेंज की, एक और नया टॉपिक. व्हाट इज होम रेंज? होम रेंज इज द एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स एंड मूव्स ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. याद रखिएगा, एक एनिमल कहां तक मूव करता है, उसका घर जो है, उसका एक टेरिटरी जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम रेंज. और वो जो एरिया होता है दैट इज एक्टिवली डिफेंडेड बाय that particular organism and it cannot be used by others. आप एक बार इस पूरे के पूरे वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो टाइगर है वो यू नो स्प्रे करके अपनी टेरिटरी को मार कर रहा है, या फिर मार्किंग कर रहा है पेड़ पे टेरिटरी की, किस तरीके से स्क्रैचिंग करके. ये सब तरीके होते हैं. आपने देखा होगा कुत्ते जनरली जो होते हैं वो टायर्स पे ना टॉयलेट कर देते हैं. वो टायर पे टॉयलेट नहीं होती, वो एक्चुअल में अपनी टेरिटरी को मार कर रहे होते हैं, गंद फैला रहे होते हैं, ताकि दूसरा डॉग जो है वो अगर आए तो उसको पता चल जाए ये दूसरे डॉग की टेरिटरी के अंदर एंटर हो रहा है. सो एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल मार्किंग. और ये टेरिटोरियल मार्किंग जो है एक्चुअल में कुछ नहीं बल्कि एक होम रेंज को डिफाइन करता है. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में बताया गया है, और यहीं पे एलिफेंट कॉरिडोर्स भी होते हैं. एक हाथी जो है वो माइग्रेटरी एनिमल है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है. तो
जहां तक वो माइग्रेट करके घूम सकता है उसको उसका क्या बोलेंगे हम लोग, टेरिटोरियल एरिया। फॉर एग्जांपल एक जो चीता है उसको करीबन करीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक चीता को चाहिए होता है। अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 80-100 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया एक चीता रहता है, और हर चौथे पांचवें दिन वो टेरिटोरी जो उसकी टेरिटोरियल एरिया है उसको आके मार्क करता है, वो चेक करता है कि मेरा जो एरिया है वो डिफेंडेड है कि नहीं है। अगर कोई दूसरा चीता उसके एरिया में आएगा तो फिर कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, और आप जानते हैं लड़ाई होगी तो उसके दो ही नतीजे हैं, या तो एक मरेगा या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं व्हाट इज बायो इकोनोसिस या फिर बायोटोप। बायो इकोनोसिस को क्या बताया जाता है, इट इज द ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन द सेम हैबिटेट, यानी कि बायोटिक दैट इज इंटरेक्टिंग विद अदर बायोटिक। सबसे पहले आप एनवायरमेंट के बारे में एक चीज बताइए, कितने तरीके के हम लोगों ने इंटरेक्शंस पढ़े थे एनवायरमेंट के अंदर पॉसिबल हैं। तो आप जानते हैं बायोटिक दैट इज इंटरेक्टिंग विद अदर बायोटिक, अबायोटिक दैट इज इंटरेक्टिंग विद अबायोटिक, बायोटिक दैट इज इंटरेक्टिंग विद अबायोटिक। ये तीन तरीके के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो जब मैं आपसे कहता हूं एक बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इकोसिस्टम, यानी कि यहां पे इंटरेक्शन पॉसिबल है या हैबिटेट डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अब एक बायोटिक दूसरे बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, यानी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी दूसरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ ही इंटरेक्शन में मौजूद है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसको बोला जाता है बायो इकोनोसिस, बायोटिक इंटरेक्टिंग विद अदर बायोटिक। और ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं एक फॉनल कम्युनिटी, यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या बोलो, जू सिनोसिस। अगर मैं आपसे बोलूं एक फ्लोरा, एक पेड़, एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो बोलो फाइटोसिनोसिस। और अगर मैं ऐसे ही बोलूं एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो बोलो माइक्रोबायो इकोनोसिस या माइक्रोसिनोसिस। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, एनवायरमेंट का वो एरिया जहां पे सिर्फ बायोटिक और बायोटिक के इंटरेक्शन को डिफाइन करोगे तो उसके लिए एक टर्म है बायो इकोनोसिस, याद रखना। ऐसे ही एक और टर्म है बायोटोप। बायोटोप का मतलब क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा बायोटिक बायोटिक का जो इंटरेक्शन है उसको तो हमने बोल दिया बायो इकोनोसिस। अब मैं अगर आपसे बोलूं बायोटोप क्या है, बायोटोप इज अबायोटिक अबायोटिक का इंटरेक्शन, इसके लिए अलग से नाम दिया गया है बायोटोप। तो बायोटोप इज नथिंग बट द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जहां पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अबायोटिक है, उसके लिए अलग से नाम दिया गया बायोटोप, याद रखिएगा। सो ऑन द अदर हैंड हैबिटेट, अगर आप नोटिस करो हैबिटेट और इकोसिस्टम में अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों होते हैं, इंटरेक्शन होता है, चाहे हैबिटेट बोलो चाहे इकोसिस्टम बोलो। चलिए दोस्तों अब एक बार क्वेश्चंस पे नजर मारते हैं, देखते हैं कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन। ये आप पहले पढ़ चुके हो, इट इज कॉल्ड इकोक्लाइन। बट क्या आप इसके ऑप्शंस को भी समझ पाते हो, इकोटोन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप समझिए मैंने ये वाला टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में इकोटाइप और इकोजोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोजोन। ऐसे एक और क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आप जानते हो रोल की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियसली इकोलॉजिकल नीश है, बट यहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए होम रेंज। अब आप होम रेंज को भी जानते हो, टेरिटोरियल मार्किंग की बात हो रही है, जहां तक एक जो ऑर्गेनिज्म है अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है उसी को हम उसका होम रेंज कहते हैं, मैक्सिमम जहां तक वो घूम सकता है या जहां तक वो पाया जाता है। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, विल मीट विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप आइए और मेरे से कम्युनिकेट करिए। कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप जल्दी से जल्द वहां पे आइए और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कराइए। थैंक यू सो मच, और जल्दी हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं।